ये चैनल केवल मनोरंजन के लिए है, हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ये कहानी हमारे सब्सक्राइबर धीरज कुमार सालुंखे ने हमें भेजी है, आइए देखते हैं हॉन्टेड रेडियो। ये बात 4 साल पहले की है, जब मैं मेरे माँ और बीवी रेशमा के साथ सोलापुर शिफ्ट हुआ था। मेरे बॉस ने मुझे एक घर रेंट पर दिलवाया था। घर काफी अच्छा और बड़ा था। लिविंग रूम के बगल वाला कमरा माँ को पसंद आया, इसीलिए हमने उनका सामान उसी कमरे में शिफ्ट करवाया था। हम सब खुश थे, लेकिन हम ये नहीं जानते थे कि हमारी खुशी जल्द ही खत्म हो जाने वाली थी। एक दिन मैंने मेरी माँ को रेडियो सुनते हुए देखा। वो अपने कमरे में आराम कुर्सी पर गोद में रेडियो लिए बैठी थी। वो काफी खुश लग रही थी। रेडियो पर गाना चल रहा था, माँ को खुश देख मैंने चुपके से उनकी तस्वीर खींची। उन्हें खुश देख मैं भी खुश हो गया, लेकिन मुझे यह समझ नहीं आ रहा था कि वो पुराना काले रंग का रेडियो किसका है। माँ, ये रेडियो किसका है? अरे ये मैं जब स्टोर रूम में सामान रख रही थी तभी मुझे गाने की आवाज सुनाई दी। आवाज टूटे हुए बक्से में से आ रही थी। मैंने बक्सा खोला तो उसमें ये रेडियो निकला। ठीक ठाक चल रहा था इसलिए मैंने इसे रख लिया। मुझे लगा कि होगा लैंडलॉर्ड का, इसीलिए मैंने ज्यादा ध्यान नहीं दिया। लेकिन उसके बाद माँ का उस रेडियो के प्रति लगाव बहुत बढ़ गया। वो हमेशा उस रेडियो पर वही गाना सुनती। यहां तक कि वो अपने कमरे से बाहर नहीं निकलती थी, बस वो रेडियो अपनी गोद में लेकर कुर्सी पर आंखें बंद कर गाना सुनती। एक रात मैं डाइनिंग टेबल पर खाना खा रहा था। मैंने अपनी बीवी से मां के बारे में पूछा, तब मेरी बीवी ने बताया कि वो खाना उनके कमरे में रखकर आई है और उन्होंने अभी तक सुबह और दोपहर तक का खाना नहीं खाया है। उन्होंने खाना खाया है या नहीं ये देखने मैं उनके कमरे में गया। मैंने देखा कि वो अभी भी उस कुर्सी पर रेडियो गोद में रखकर आंखें बंद कर गाना सुन रही हैं। वही गाना उनके बगल वाले टेबल पर खाने की प्लेट जैसी की तैसी थी। ये देख मैं गुस्सा हो गया। मैं उनके पास गया और मैंने वो रेडियो उठा लिया और उसे बंद कर दिया। ये क्या है मां, आप खाना क्यों नहीं खा रही? हमेशा इस गंदे रेडियो से चिपकी रहती हैं आप। ये सुन मां मुझ पर ही गुस्सा हो गई और उन्होंने कुर्सी से उठकर मुझे चांटा मारा और मुझ पर चिल्लाते हुए बोली, ये गंदा नहीं है, चले जाओ यहां से, जाओ जाओ यहां से। मेरी मां ने मुझे चांटा मारा था। मेरे बचपन में जब पापा गुजर गए थे तब से मेरी मां ने मुझे कभी भी नहीं मारा था, लेकिन जवानी में उन्होंने मुझे चांटा मारा था। खाना है तो खाओ वरना मर जाओ, मैं उन पर चिल्लाते हुए बोला और वहां से निकल गया। मुझे बहुत बुरा लग रहा था। उस रात मैं बगैर खाना खाए ही बेड पर लेट गया। मुझे तो लगता है कि माँ जी उस रेडियो के चक्कर में पागल हो गई है, मैं मेरी बीवी पर चिल्लाते हुए बोला। चुप कर, वो पागल नहीं है। कि तभी हमें मां की चीखने की आवाज सुनाई दी। मैं घबराते हुए मां के कमरे की तरफ भागा। उनके कमरे का दरवाजा अंदर से बंद था। मां, मां क्या हुआ? मैं कमरे के बाहर से चीख रहा था, लेकिन उन्होंने कोई भी जवाब नहीं दिया। कमरे के अंदर से रेडियो की आवाज तक बाहर नहीं आ रही थी। मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा था, इसीलिए मैंने और मेरी बीवी ने कमरे का दरवाजा तोड़ा और जब हम कमरे में दाखिल हुए तो हम रो पड़े। मां, क्या हो गया मां?
ये क्या हो गया? क्योंकि कुर्सी पर मेरी मां खून से लथपथ पड़ी थी, उनके पेट से खून बह रहा था, पूरा फर्श खून से सना हुआ था। मैंने उनकी सांसें चेक की तो वो मर चुकी थी, शायद किसी ने चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी थी। लेकिन कमरे की खिड़की बंद थी और दरवाजा भी अंदर से बंद था, तो सवाल यह था कि उनकी हत्या आखिर किसने की? कमरे से कोई कीमती सामान भी चोरी नहीं हुआ था। हमने पुलिस को बुलाया, उनके खून की जांच चल रही थी, पुलिस को मर्डर वेपन तक नहीं मिला था। केस बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बन गया था। पुलिस तो मेरे और मेरी बीवी के ऊपर मां के खून का इल्जाम लगाने पर तुली हुई थी। कुछ दिन बीत गए, मां के इस तरह चले जाने से मैं और मेरी बीवी काफी दुखी थे। एक रात मैं ऑफिस से लौटा तो मैंने रेडियो की आवाज सुनी, आवाज मां के कमरे से आ रही थी। मैं उस कमरे में गया तो कमरे में मां की कुर्सी पर मेरी बीवी बैठी थी और उसकी गोद में वही गंदा पुराना रेडियो था। वो रेडियो मां की मौत के बाद से हमें कहीं भी दिखाई नहीं दिया था। न जाने मेरी बीवी को वो कैसे मिला था। मैंने बीवी को अपने कमरे में चलने के लिए कहा, लेकिन उसने मना कर दिया और उसने कहा, अब से यही मेरा कमरा है। मैं भी उससे झगड़ा करने के मूड में नहीं था, इसीलिए मैं अपने कमरे में चला गया। लेकिन उस दिन से मेरी बीवी के बर्ताव में काफी बदलाव आए। वो भी मां की तरह उस रेडियो पर वही गाना सुनने लगी। यहां तक कि वो खाना तक नहीं बनाती थी, घर का काम तक वो नहीं करती थी। इसीलिए मैंने एक सर्वेंट रख लिया और मेरी बीवी 24 घंटे उसी रेडियो से चिपके हुए मां के कमरे में रहने लगी, जो कि लिविंग रूम के बगल में ही था। एक दिन मैं ऑफिस में काम कर रहा था कि तभी लैंडलॉर्ड का कॉल आया। मैंने रेंट भरने में देरी की थी, इसीलिए उन्होंने कॉल किया था। बातें करते हुए उन्होंने मुझे मां के बारे में पूछा, तब मैंने उन्हें बताया कि उनका देहांत हो चुका है। मां के साथ बहुत बुरा हुआ, लेकिन यह सब कैसे हुआ? रोज की तरह मां रात को लिविंग रूम के बगल वाले कमरे में रेडियो सुन रही थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं, ये उनका पसंदीदा गाना था। जब मैंने उन्हें देखा था तो वो चैन से वो गाना सुन रही थी, लेकिन जैसे ही मैं कमरे में गया कुछ ही देर में उनकी चीख सुनाई दी। हम जैसे ही वहां पहुंचे किसी ने चाकू घोंप कर उनकी हत्या कर दी थी। ये सुन लैंडलॉर्ड चौंक गया। दीक्षित जी, कुछ तो गड़बड़ है, बहुत बड़ी गड़बड़ है। क्या गड़बड़ है? अब आप ये मत कहना कि वो रेडियो काले रंग का है और आपकी माता जी को वो घर में कहीं पर मिला था। हाँ बिल्कुल वैसा ही है। आप मेरा यकीन नहीं करेंगे, मैं और मेरे पिताजी हम दोनों ही इस घर में रहते थे। पिताजी अकेले होने के कारण उनका उस वक्त साथ देने के लिए बस ये रेडियो ही था। वो हर शाम इस पर एक ही गाना सुनते रहते थे। पता नहीं, शायद उनको मां के गुजर जाने के बाद बहुत अकेला महसूस होता था और शायद इसी तन्हाई में घुट घुट कर उन्होंने अपनी आखिरी सांसें ले ली और शायद उनकी आत्मा ही उस रेडियो के अंदर कैद होकर रह गई हो और उनकी वजह से ही आपकी माता जी की ऐसी अचानक मौत हो गई। ये सुन मेरी सांसें रुक सी गई थी। वो रेडियो ही था जिसकी वजह से ये सब हो रहा था और अब वो रेडियो मेरी बीवी के पास था। मुझे मेरी बीवी की चिंता हो रही थी। मैंने तुरंत उसे कॉल भी किया, लेकिन बार बार कॉल करने के बाद भी वो कॉल रिसीव नहीं कर रही थी। मैं तुरंत ऑफिस से घर की तरफ निकल पड़ा। घर पहुंचते ही मैं मां के कमरे में पहुंचा और सामने का नजारा देख मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मेरी बीवी कुर्सी पर बैठी थी और उसके हाथ में चाकू था। कमरे में रेडियो पर वही गाना चल रहा था और मेरी बीवी उसे डरावनी आवाज में गा भी रही थी। कैसे
उसकी आवाज किसी बूढ़े आदमी की तरह आ रही थी। उसकी आंखों की पुतलियां सफेद पड़ चुकी थी। रेशमा, तुम ये क्या कर रही हो? और तुम्हारे हाथ में ये चाकू क्यों है? मेरी बात सुनकर भी रेशमा कोई जवाब नहीं दे रही थी, बस एक टक रेडियो को घूरे जा रही थी। उसे ऐसे देखकर मेरा दिल बैठा जा रहा था और गुस्सा भी बहुत आ रहा था। तो मैंने फिर से उसे चिल्लाकर पूछा, तुम कुछ जवाब क्यों नहीं दे रही हो रेशमा? मेरी बात सुनो। मैं रेशमा नहीं हूं। देखिए चाचा जी, मुझे पता है कि आपके साथ क्या हुआ। आपके बेटे ने मुझे सब कुछ बता दिया है। इसमें मेरी बीवी का क्या दोष? उसे जाने दो। मुझे पता है इसका कोई दोष नहीं है, इसीलिए ही तो मैं इसे मुक्ति दिलाना चाहता हूं। मुक्ति? ये कैसी बात कर रहे हो आप चाचा जी? क्यों ऐसा करना चाहते हैं आप? हाँ, सही सुना तुमने। मैं इसे इसके अकेलेपन से मुक्ति दिलाना चाहता हूं। अकेलापन कैसे चाचा जी? मैं उससे बहुत प्यार करता हूं। मैंने हमेशा उसे खुश रखने की कोशिश की। वो अकेला कैसे महसूस कर सकती है? तुम उसे प्यार तो बहुत करते हो, पर अपने काम में इतने व्यस्त हो कि तुम्हें उसका दुख और परेशानी कभी दिखाई ही नहीं दी। शादी के इतने सालों बाद भी वो मां नहीं बन पा रही थी। ऊपर से समाज के ताने सुन सुन के वो तंग आ चुकी थी और अपने ही घर में घुट घुट के जी रही थी। तुम्हें इसका कोई अंदाजा भी नहीं था। तुम ना अपने मां का ख्याल रख पाए और ना ही अपनी बीवी का। मेरी बीवी किस परेशानी से गुजर रही थी, ये मैंने कभी नहीं सोचा था। मैं बहुत नकारा महसूस कर रहा था। मैं अपनी मां को तो नहीं बचा पाया, पर मैं अपनी बीवी को नहीं खोना चाहता था। मैंने मन में ठान लिया, मुझे जो कुछ भी करना पड़े मैं रेशमा को बचा के रहूंगा। मैं समझ गया था कि यह जो कुछ हो रहा है बस उस रेडियो की वजह से हो रहा है। मैंने मेरे कमरे में जाकर क्रिकेट बैट लाया और बीवी की तरफ बढ़ा। मैंने चाचा जी को कहा, आखिरी बार कह रहा हूं, छोड़ दीजिए रेशमा को, वरना 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 क्या? तुम मुझे नहीं मार सकते। ये सुन के मैं आगे बढ़ा। उसे लगा कि मैं उसे मारने जा रहा हूं, लेकिन मैं टेबल पर रखे रेडियो को बैट से फोड़ने जा रहा था। जैसे ही चाचा जी ने मुझे रेडियो की तरफ बढ़ते हुए देखा, वो बीच में आ गए और उस रात बैट रेडियो की जगह रेशमा के सिर पर जा लगी और उसी वक्त उसकी मौत हो गई थी। मैं अपनी रेशमा को भी नहीं बचा पाया, मेरे ही हाथों उसकी जान चली गई। मैं बेजान पड़ी अपनी बीवी को गोद में लेकर देखता रहा कि वो कैसे मुझे इस दुनिया में अकेले छोड़ के चली गई थी। तेरे बिना जिंदगी से कोई शिकवा तो नहीं। आज भी ये रेडियो अकेले लोगों को उनके अकेलेपन से मुक्ति दिलाता है, और आज भी ये रेडियो अपने अगले शिकार की तलाश में है। अगर आपके पास ऐसी ही कोई स्टोरी है तो आप हमें लिखकर नीचे दिए गए मेल आईडी पर भेज सकते हैं, और हो सकता है कि हम वो कहानी एनिमेशन के द्वारा आपके सामने लेकर आएंगे। अगर ये कहानी आपको अच्छी लगी तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर कीजिए, और हमें इंस्टाग्राम पे फॉलो करना मत भूलिए।